अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे घर में डिनर में मटर पुलाव बन रहा है। ये उसकी वेजिटेबल, ये टमाटे, ये कोथमीर, नींबू, ये है गरम मसाला, ये दही, ये प्याज, ये आलू, गाजर, फली, मटर, ये प्याज फ्राई हो रही है। अब ये गोल्डन ब्राउन प्याज फ्राई हो गई, ये गोल्डन ब्राउन प्याज हो गई। अब इसे ठंडी होते तक रखना है। ये गोल्डन ब्राउन आलू फ्राई हो रहे, अभी आलू निकालने, आलू ब्राउन हो चुके हैं फ्राई। गाजर, मटर और फली फ्राई हो रही। इसे अच्छी तरह से फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। अब ये निकाल ले रहे हैं अपने, फ्राई हो चुके हैं। ये टमाटर डालेंगे, इसका मसाला, तरकारी का मसाला डालेंगे, मिर्ची का पेस्ट मिलाएंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये लाल कश्मीरी मिर्ची 2 चम्मच, ये हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे अपन 2 चम्मच, दही ऐड कर देंगे, दही डाल देंगे। अब इसमें तरकारी मिला देंगे जो अपन पहले से फ्राई करके रखे थे। अभी आलू, ये आलू को ऐड कर लेंगे। अब इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। अब ये अदहन के पानी में गरम मसाला ऐड कर, अब ये प्याज फ्राई हो रही है। अब ये चावल अदहन पक चुका है, चावल देखिए। अब इसे अपन चावल को निकालेंगे। अब ये चावल डाल देंगे, अब इसमें मसाला ऐड करके अपन बिरयानी को दम दे देंगे। मसाला इसमें ऐड कर देंगे, इसमें चावल ऊपर से डाल देंगे। ये मसाला पूरा डल चुका है, अब ये चावल को डाल देंगे। धनिया डाल दी, धनिया, कोथमीर, अब ये प्याज, वेज पुलाव बनके रेडी। अब ये कलर, ऑयल, अब इसमें ऑयल डाल दें। ये ऑयल,
ये बन के रेडी हो चुकी है बिरयानी। अब इसे अपन निकालेंगे, सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिरयानी का। ये है बिरयानी के साथ हैंका रायता।